नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर तो दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2022 और 21 दोनों भर्तियों को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है रीट के छियालीस हज़ार पाँच सौ पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों और पंद्रह पदों पर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नियुक्ति देने को लेकर गौरव अग्रवाल जो आपके दोस्तों राजस्थान माधव शिक्षा निदेशालय के चेयरमैन हैं दोस्तों उनकी तरफ से अपडेट आई है कि आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी दूसरे पेपर का सिलेबस व एग्जाम डेट को लेकर भी अपडेट है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रीट के छात्र हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों रीट की लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहती है तो देख सकते हैं रीट लेवल वन सेलेक्टेड पंद्रह कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट अलॉट या दोस्तों दस मई के बाद होगी काउंसलिंग यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल वन कैंडिडेट को जिला अलॉट कर दिए गए हैं जल्द ही काउंसलिंग कैलेंडर जारी करके आपको दोस्तों नियुक्ति है वो दे दी जाएगी जनरल कैटेगरी में डेढ़ सौ वर्ष एक सौ तैंतीस वालों को और ओ बी सी में एक सौ इकतीस वालों को मिलेगा मौका तो ये आपकी दोस्तों कट ऑफ रही है हालांकि दो हज़ार अठारह के मुकाबले रीट जो इक्कीस की मेरिट हाई गई है क्योंकि पेपर भी सरल आया था और इस बार कंपटीशन भी दोस्तों हार्ड था अब बात कर लेते हैं कि रीट दो हज़ार बाईस जो होने वाली है चालीस या पाँच सौ पदों पर पात्रता एग्जाम होगी दोस्तों पहले जुलाई में जिसका रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और अक्टूबर में आपकी विषयवार यानी कि जो आर होगा मुख्य पेपर होगा रीट का जिसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी दोस्तों उस परीक्षा का आयोजन अठारह अक्टूबर को अपडेट है दोस्तों की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है और अठारह अप्रैल से ही दोस्तों आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं अब तक अपडेट के अनुसार दोस्तों सात लाख फॉर्म भरे आ चुके हैं जो आगे चलकर दोस्तों बीस लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे हालांकि ग्यारह लाख छात्रों को पात्रता मिल चुकी थी दो हज़ार इक्कीस में लेकिन उसमें से एल टू वालों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया तो उन्हें पात्रता भी नहीं दी गई तो ऐसे में उनको पात्रता एग्जाम भी देना होगा और इसके बाद उन्हें आर टैट भी देना होगा तो कहीं ना कहीं बी एड वालों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है हालांकि बी एड वालों को इसके लिए शुल्क नहीं देना है लेकिन एग्जाम तो द्वारा से उन्हें देना होगा अध्यापक सीधी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा जिसके आदेश आपको पहले ही मिल चुके हैं और इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो भी जल्द जारी किया जाएगा और जो रीट लेवल फर्स्ट है उसमें बी एड भर्ती आवेदन नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस जुलाई तक इस जो है उस पर रोक लगा दी है उन्नीस जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी जिसमें एन से जो विवाद शुरू हुआ था कि बी एड और डिग्री दरियों को लेवल फर्स्ट में योग्य माना था दो हज़ार में एक नोटिफिकेशन आया था लेकिन अभी तक दोस्तों इस पर जो है बी वालों के अब शामिल नहीं किया गया है ना ही आगे शामिल किया जाएगा ऐसी अपडेट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इससे आगे दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है तो रीड की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको मिलती रहती है वीडियो को शेयर भी कर दिया करें आज की डेट रहें इतना दोस्तों जय हिंद बंद मातरम